हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का हमारा मोटो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वेलकम टू अनदर मोटो ब्लॉग। दोस्तों आज मैं गया था गरुड़ और वहां से मैं गया डंगोली के हेलीपैड पर और वहां से मैंने एक सिनेमेटिक व्यू लिया है जो सामने गरुड़ का और डंगोली का दृश्य है। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और इस प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद मैं जाता हूँ हेलीपैड के आगे वाले छोर पर, वहां से मैंने एक और सिनेमेटिक व्यू लिया जो आप लोग देख रहे हैं। यह है सामने गरुड़ का दृश्य और उसके बाद सीधे डंगोली का दृश्य और उसके बाद पूरी मैंने 360 व्यू लिए है और सामने यहाँ पर हेलीपैड भी दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बहुत ही सुंदर सा हेलीपैड यहाँ पर है बागेश्वर में। दोस्तों आज मौसम खराब है और यहाँ बहुत बारिश हुई और इसलिए बादलों से आकाश ढका हुआ है और सामने का दृश्य भी ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये है डंगोली का हेलीपैड, यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर उतरता है। अभी ये पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है, अभी इसको विकसित किया जाना जरूरी है। दोस्तों डंगोली के हेलीपैड से 360 व्यू लेने के बाद उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने बताया आप लोगों को बारिश काफी हुई, रोड पर आपको दिख रहा होगा पानी रुका हुआ कहीं पर और उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलता हूँ बागेश्वर की तरफ। दोस्तों ये रोड है ग्वालदम रोड है, ये यहाँ से बागेश्वर से ग्वालदम की तरफ जाता है ऊपर की तरफ। एक्चुअली मैं अभी बागेश्वर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से एक रोड उधर को कटती है जो जाती है गरुड़ की तरफ, गरुड़ कौसानी और अल्मोड़ा रानीखेत, और दूसरी यहाँ से बाएं हाथ की तरफ कटती है, ये जाती है बागेश्वर वेट बागेश्वर, यहाँ पर मैंने लिखा भी था और आप यहाँ से बागेश्वर की तरफ आ सकते हैं। दोस्तों मैं बैजनाथ से आगे निकला बागेश्वर की तरफ। ये है बागेश्वर की तरफ का मोटो ब्लॉग जो मैंने शूट किया था अपने ऑस्मो पॉकेट से और उसकी क्वालिटी और इसकी क्लैरिटी कैसे है आप जरूर देखिएगा और स्टेबलाइजेशन कैसे है ये भी जरूर बताइएगा। एक्चुअली आज मैंने टिल्ट मोड इसका लॉक किया था इसके बीच में कहीं कहीं मैं सेक कर रहा है, मैं उसको भूल गया उसको ऑन करना। दोस्तों यह सामने जो दृश्य है यह है गरुड़ का और नीचे गोमती नदी है। अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए पानी कम है यहाँ दोस्तों गोमती में। दोस्तों यहाँ से आगे जगह है ये गागरी गोल और ये सुंदर सी जगह है दोस्तों, प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ सड़कों पर पानी भी भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब कभी आप गागरी गोल आओ तो यहाँ नाशपाती आप जरूर खाइएगा, गागरी गोल की नाशपाती बहुत फेमस है यहाँ।
दोस्तों बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ रोड पर ट्रैफिक कम है, नहीं तो ये हाईवे है दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों यहाँ तो बारिश हो रही थी, शायद बागेश्वर में बारिश नहीं होगी, ऐसा मैंने फोन पर बात किया था एक दोस्त से, उसने बताया कि यहाँ बारिश नहीं है। दोस्तों यह है नवोदय विद्यालय सिमार बागेश्वर। दोस्तों जैसे मैंने बताया बागेश्वर में बारिश नहीं है, ये धूप है सामने पहाड़ पे, इससे मैंने एक छोटा सा व्यू यहाँ का भी लिया।
दोस्तों मैं पहुंच गया बागेश्वर, अब ये है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।